हे गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपका? तो चलिए, ये हमारा पार्ट फोर है, ठीक है। हरियाणा की जीके हम पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, और प्रॉपरली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी पार्ट हमारा छूटेगा नहीं। आप ये मत सोचिए कि कोई पार्ट हम छोड़ने वाले हैं। कम से कम मैं कोशिश करूँगा 1000 से 2000 क्वेश्चन को डिस्कस करूँ, और कोई भी ऐसा फैक्ट छूटे ना कि आपको ये लगे कि ये फैक्ट छूट गया हमारा, ये तो हमें बताया नहीं। मेरे पास सभी पेपर हैं, तहसीलदार से लेकर क्लर्क के, पुलिस के, यानी कि सभी मेरे पेपर पास पेपर हैं। करीबन 2000 का कलेक्शन है पेपर का, क्वेश्चंस का मेरे पास, या उससे ज़्यादा ही होगा। तो हम सभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बस आप लगे रहिए और आप बने रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम सेंसस डिस्कस करेंगे। आज 2011 का सेंशन जो सेंसस था हरियाणा का, जनगणना जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसको डिस्कस करेंगे दो पार्ट के अंदर, एक्चुअली तीन पार्ट में। पार्ट वन में थ्योरी में बताऊंगा, पार्ट टू में थ्योरी बताऊंगा, और पार्ट थ्री में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे हमारे, जो काफी कुछ जो चीजें हैं वो सेंसस से रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। अगर कभी कोई बच गया, कहीं क्वेश्चन मुझे और मिला, तो उसको आने वाले टाइम में जो क्विज भी चल रहा है हमारा, उसमें हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सेंसस ऑफ हरियाणा की बात करें, 2011 का एक्चुअली ये सेंसस था, और हरियाणा का ये फिफ्थ सेंसस था, ठीक है। आपको पता है हरियाणा की फॉर्मेशन क्या कब हुई? 1 नवंबर 1966। तो पहला कब हुआ जो सेंसस हुआ, वो 71 में हुआ, फिर 81 में, 91 में, 2001 में और 2011। तो ये फिफ्थ सेंसस था हरियाणा का, बात करें तो। उसके बाद देखिए, सेंसस का थोड़ा सा डेटा हम जान लेते हैं इंडिया से रिलेटेड पूरा, कि सेंसस कब स्टार्ट हुआ था। 1872 में लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था। इसके बाद जब फिर सेंसस हुआ 1881 में, वो लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट किया, और इसके बाद ही 1881 से डिसाइड हुआ कि हर 10 साल बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि जनगणना की जाएगी हर 10 साल के बाद। तो उसके बाद ही ये जनगणना स्टार्ट हो गई और आज तक ये चलती आ रही है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन, तो एरिया की बात करें, तो एरिया जो इंडिया का है वो 2.42 है, अगर वर्ल्ड के टोटल लैंड लैंड मास की बात करें तो। अगर 100% लैंड है तो इंडिया के पास कितनी है? सिर्फ 2.42%। लेकिन पॉपुलेशन कितनी है हमारी? पॉपुलेशन हमारी 17.42। तो देखिए, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, जबकि यानी कि अर्थ हमारे पास रहने के लिए कम है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप दूसरे जगह जाएंगे, यूरोप को छोड़ दीजिए, यूरोप के पास तो खुद ही एरिया कम है, और अफ्रीका के अंदर जाएंगे या नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप जाएंगे या साउथ अमेरिका के अंदर, तो पॉपुलेशन कम है और एरिया बहुत ज़्यादा है, तो डेंसिटी उनकी काफ़ी कम होती है। अब देखिए, अगर हम पूरी सेक्स रेशियो की बात करें इंडिया की, तो वो है 940 अकॉर्डिंग टू 2011। 940 का क्या मतलब है कि 1000 मेल होंगे तो कितनी फीमेल होगी, वो होती है सेक्स रेशियो। तो पूरे इंडिया की है 940, ठीक है, यानी कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल है? 940। ये हमारा इंडिया का डेटा है। अब देखिए, हम हरियाणा पे आते हैं, इस चीज़ों से क्या है आप रिलेट कर पाएंगे इजीली, इसलिए मैंने ये आपको इंडिया का डेटा भी बताया, और जीएस के अंदर इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें हरियाणा की, देखिए पूरी पॉपुलेशन है 2,53,51,462, ये आपको याद रखना है, 2,53,51,462। ये एग्जैक्ट का एग्जैक्ट पूछा जाता है, तो आपको ये डेटा भी बिल्कुल रट लेना है, ये समझिए 53, 51, 62, तो ऐसे रिलेट करके कि ये तो 50 या 60 में बात हो रही है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, कैसे भी आप याद करें ये चीज़, आप रट्टा मार लीजिए 2,53,51,462, राइट। अगर मेल की बात करें तो अप्रोक्स 1.35 करोड़ मेल है, और फीमेल की बात करें तो 1.18 करोड़। ये आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक फिगर से याद कर लीजिए कि कितना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम हरियाणा की पॉपुलेशन बात करें, अगर इंडिया से कंपेयर करें, तो जैसे इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जैसे लैंड 2.42 है, तो लेकिन और इंडिया की जो सॉरी हरियाणा की जो पॉपुलेशन है इंडिया के कंपैरिजन में, वो कितनी है? 2.09। तो याद रखिए 209, ठीक है, 209 शायद एक स्कोर बनाया था सहवाग ने, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं 2.09, यानी कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में? 2.09%। ये एक फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा देखिए, ये बात करें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, देखिए फरीदाबाद की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किया था, ये देखिए फरीदाबाद है। कैसे रिलेट करेंगे? देखिए दो ही ऐसे मेजर सिटीज हैं, तीन है वैसे तो पंचकूला, लेकिन पंचकूला इतना अगर ना माने तो हम दो ही मेजर सिटीज हैं, यानी कि एक तो हो गया गुड़गांव और एक होता फरीदाबाद, दोनों आसपास लगे हुए हैं, और फरीदाबाद थोड़ा बड़ा है, यानी वैसे तो गुड़गांव बड़ा है, लेकिन अगर बात करें फरीदाबाद पहले बड़ा था, अब इसमें डिवाइड हो गया और पलवल वगैरह मेवात वगैरह कट के हो गया, ये पहले पहले फरीदाबाद जो एरिया था
इस फैक्ट को छोड़ दीजिए, अब कौन सा कट है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है, फरीदाबाद की। और मैंने बताया था कैसे याद करेंगे, सोनू निगम जो सिंगर है वो कहाँ से है, फरीदाबाद से, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए वो वहाँ पर गाना पसंद करते हैं। तो ऐसे आप याद कीजिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, फरीदाबाद की, दूसरे पे किसकी है, हिसार की, और फिर है भिवानी की। तीन ही याद कर लीजिए, इतनी बहुत है, या दो तक भी याद करेंगे तो चल जाएगा काम। अगर लिस्ट की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, पंचकुला। ये देखिए, आप ये सोच लीजिए कि पंचकुला पंचकुला क्या है, चंडीगढ़ और पंचकुला साथ साथ लगे हुए हैं, तो हरियाणा का कम लोग वहाँ जाके बसते हैं, तो इस तरह रिलेट कर लीजिए। तो जो पंचकुला की पॉपुलेशन सबसे कम है, अगर लिस्ट सेकेंड लिस्ट की बात करें तो उसमें आता है रेवाड़ी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक ये फैक्ट है, और अगर आप याद कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बट याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, इसलिए मैं ये फैक्ट आपके लिए लिखा है। देखिए ये बोलते हैं कि पांच ऐसे, यानी कि सॉरी सात ऐसे, ये देखिए आउट ऑफ 22 डिस्ट्रिक्ट, सात ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम है। उसमें है डी, जे, एम, पी, के, एफ, आर, ये आपको याद रखना है। डी फोर क्या है, दादरी, यानी कि दादरी झज्जर। उसके बाद एम फोर क्या है, ये आपको याद रखना है, महेंद्रगढ़। पी फोर क्या है, पंचकूला। के फोर कुरुक्षेत्र, यहाँ पे ये है फतियाबाद, और उसके बाद रेवाड़ी, ठीक है, फतियाबाद रेवाड़ी। तो ये आप याद रखिए, इन इन इनकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम है, ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट की। तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 18 जो हमारी पोजीशन है इंडिया के अंदर वो कौन से नंबर पे आती है, 18 हमारे जो जितने स्टेट हैं, 29 स्टेट्स में हमारी पॉपुलेशन का जो पोजीशन आती है वो कितनी आती है, 18। ये भी फैक्ट काफी बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए अगर रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में कितनी है, जो ग्रामीण यानी कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 65.12%। 65 से आप रिलेट कर लीजिए, 65.12 भी अगर याद ना करें तो 65% याद रखिए। और अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 34%, 34.88 एग्जैक्ट अगर बात करें तो, 34.88। अगर हम और बात करें कि रिलीजन से रिलेटेड तो सबसे ज़्यादा कौन है, हिंदू है 87%, मुस्लिम है 7%, सिख है 4.9%। तो ऐसे सीक्वेंस में याद रखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, उसके बाद ईसाई नहीं है, उसके बाद जैन है, फिर क्रिश्चियन है, और आखिरी में सबसे कम किसकी है, जो बुद्ध लोग होते हैं, बुद्ध जो कम्युनिटी है उनकी सबसे कम है। और वो कितनी है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ, 0.03%, ठीक है, ये बहुत कम है। इसके बाद अगर ग्रोथ रेट की बात करें, देखिए एक होती है हम कंपेयर करते हैं कि 2001 में कितनी ग्रोथ हुई थी, 2011 की कंपेयर करें, यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पे 1 करोड़ है, ठीक है, पॉपुलेशन, और यहाँ पे पहले कितनी थी, 50 लाख, तो कितने परसेंट ग्रोथ होगी, 100% ग्रोथ होगी। तो इसी तरह ग्रोथ देखते हैं, तो अगर हम 2001 के सेंसस से हम ग्रोथ रेट देखें हरियाणा की पॉपुलेशन, तो वो कितनी हुई, 1990, यानी कि 19.90%, 19.90% कितना हुआ इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में, अगर 2001 को कंपेयर करें। कैसे याद करेंगे, 1990, 1990 याद कीजिए, एक हमने क्या याद किया, 209, ठीक है, इस तरह रिलेट करके 2.09, ऐसे रिलेट करेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद देखिए ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस डिस्ट्रिक्ट की रही, गुड़गांव की। क्यों रही गुड़गांव, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, रिवेन्यू बहुत ज़्यादा गुड़गांव से आता है पूरे हरियाणा का। तो और अभी आप देखेंगे तो मेट्रो यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे है, तो गुड़गांव जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जितना फरीदाबाद नहीं बढ़ रहा है गुड़गांव, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक होने के कारण। फिर यहाँ पे अगर बात करें, नेशनल हाईवे 8 भी गुजरता है यहाँ से, तो इस वजह से काफ़ी कारणों से गुड़गांव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है, गुड़गांव के अंदर शिफ्ट हो रही है। तो इस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो गुड़गांव की सबसे ज़्यादा बढ़ी है, कितनी परसेंट बढ़ी है, 73%, जबकि पूरे हरियाणा कितनी बढ़ी है, 19.90, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम कुछ और फैक्ट की बात करें, ठीक है, चलिए कुछ और हम फैक्ट डिस्कस करते हैं इसके साथ साथ। ये देखिए ये बात करते हैं, अगर लिस्ट की बात करें कि सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी हुई, तो झज्जर की हुई है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि झज्जर के लोग निकल के कहाँ जा रहे हैं, गुड़गांव के अंदर जा रहे हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और सेकंड लिस्ट किसकी है, 12% किसकी ग्रोथ रेट हुई है, जींद की, यानी कि बहुत कम हुई है झज्जर और जींद की, ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। इसके बाद अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, ठीक है, यानी कि वही कि 1000 अगर मेल है तो कितनी फीमेल होगी, ये हमारा होता है सेक्स रेशियो। और एक और मैं फैक्ट बताता हूं, सेक्स रेशियो जो होता है
देखिए सेक्स रेशियो जो होता है, जैसे कि हमारा, अगर आप बात करें लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट कब तक का माना जाता है? जो 7+ ईयर्स के बच्चे हैं, 0 से 6 को नहीं माना जाता, 7+ जो है उनकी लिटरेसी रेट देखी जाती है। तो इस तरह सेक्स रेशियो देखा जाता है, कितने मेल 1000 मेल पे कितनी फीमेल है। इस तरह चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है एक, आपको अगर पता हो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो किसके लिए होता है? 0 to 6 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स जो बच्चे हैं वो कितने मेल है कितने फीमेल होते हैं, वो होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो आप अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की बात करें तो पूरे सभी स्टेट्स में सबसे कम है हरियाणा का, 2011 में वो कितना है, 8.79। आप याद रखिए सीक्वेंस है 7 8 9, यानी कि 7 बीच में है, 8 आगे, फिर 9, 8 7 9, ठीक है, 8.79 कित क्या है हमारा सेक्स रेशियो। इसके बाद अगर लिस्ट की बात करें तो किसका है, गुरुग्राम सबसे ज्यादा कम है, 854। सोनीपत का भी कुछ जगह 854 मानते हैं, कुछ कुछ जगह 856 मानते हैं। अगर ऑप्शन में आए गुड़गांव आए, सोनीपत आए, या और दो डिस्ट्रिक्ट आए, तो आपको आंसर क्या लगाना है, गुड़गांव या गुरुग्राम। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ऐसा मल्टीपल आ जाए कि गुरुग्राम सोनीपत दोनों आ जाए, तो एक्चुअली में आंसर दोनों होगा, बट मोस्टली जो ये इनके हरियाणा सिविल सर्विस जो मानती है, HPSC जो मानती है, वो क्या मानती है, गुरुग्राम को। पर डेटा एक्चुअली दोनों के लिए इक्वल है, हरियाणा सॉरी गुरुग्राम और सोनीपत का दोनों का 854 है। अगर ये बात करें कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, तो कहाँ पे है, मेवात के अंदर। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ, अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी है, गुरुग्राम की, ठीक है। मेवात को देखिए, नूह ये नाम भी चेंज कर दिया, मेवात का नाम नूह हो गया है, अगर आपको पता हो तो, जैसे गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया, ऐसे मेवात का नाम नूह चेंज कर दिया। अब देखिए लिटरेसी रेट, यानी कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग कहाँ है, गुड़गांव में, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे कम अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो कहाँ पे, गुड़गांव में। तो कितना, यानी कि एजुकेटेड लोग होके, यानी कि किस तरह बेटियों को सपोर्ट नहीं करते, ये कहीं ना कहीं इस चीज से, डेटा से ये पता चलता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, यूपीएससी 2014 में जीएस के पेपर में आया था, मेंस के अंदर, कि ऐसा क्यों है कि एजुकेटेड होने के कारण भी उन उन एरिया की सेक्स रेशियो बहुत कम है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे फैसिलिटीज भी मिल जाती है, लोग अवेयर भी हैं कि कहाँ पे जाके फीमेल फ्यूटिसाइड करा सकते हैं या चाइल्ड अबॉर्शन जो होता है, बहुत से रीजन्स है इसके। सिर्फ आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जो किसका है, मेवात का है, और मेवात का जो सेक्स रेशियो ज़्यादा है, लेकिन मेवात की जो लिटरेसी है वो हरियाणा में सबसे कम है, यानी कि साक्षरता में सबसे कम है मेवात, लेकिन सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा है। तो कोई ये बोले कि एजुकेशन बढ़ाने से सेक्स रेशियो बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, एक अंदर इंसान के इंसानियत होती है कि वो बच्ची को देखना पसंद करता है नहीं करता, इस तरह की हमारी सोसाइटी में ये गलत धारणा बसी हुई है। लेकिन अगर सेकंड बात करें कि सेकंड वो सेक्स रेशियो पे कौन है, तो वो है फतियाबाद, वहां पे 903 है। इसके बाद देखिए अगर बात करें, एक और मैं फैक्ट बताता हूँ, पूरे इंडिया में स्टेट्स की, सभी स्टेट्स की बात करें, 29 जो राज्य हैं उसके अंदर सबसे बुरा हाल किसका है, हरियाणा का, सेक्स रेशियो के अंदर। लेकिन अगर पूरे इनको यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी मिला दिया जाए, तब हरियाणा का सबसे बुरा हाल नहीं है, उससे नीचे 4 यूनियन टेरिटरी और है। अगर बात करें तो सबसे नीचे है दमन एंड दीव, दमन दीव का तो बहुत बुरा हाल है सेक्स रेशियो के अंदर। तो सबसे लीस्ट की बात करें अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की, तो सबसे बुरा हाल है दमन दीव का, और हरियाणा का और किससे अच्छा है, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ और दिल्ली, इनका भी हरियाणा से कंपेरिजन करें तो इनका सेक्स रेशियो हरियाणा से कम है। और सभी स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा का सबसे कम स्टेट्स के अंदर सबसे कम है, कितना है, 879 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही, सेकंड पार्ट में बची हुई चीजें लिटरेसी से रिलेटेड है या पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड है, वो हम बची हुई चीजें डिस्कस करेंगे, और पार्ट थर्ड में 20 से 25 क्वेश्चन सेंसस से जो आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसमें इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर।